शाम अकॉर्ड के अंतर्गत वो एजिटेशन हुई कि जो बाहर से बांग्लादेश से लोग आए हैं वो साले इलीगल माइग्रेंट हैं, तो अगर कोई महिला आई है, जो कोई पुरुष आया है, कोई आदमी आया है और उसकी शादी हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पूरे परिवार को जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी। जी, बट अगर वो इलीगल माइग्रेंट है तो फिर नहीं मिलेगी। लेकिन कपिल सिब्बल साहब, तो ये अगर प्रावधान है संविधान के अंतर्गत और सिटीजनशिप एक्ट, इतने सारे प्रावधान हैं, तो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में धर्म के आधार पे आपको नागरिकता मिल रही है, वो तो डिस्क्रिमिनेटरी है ही है। कपिल सिब्बल तो सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, कानून जानते हैं। उन्होंने कहा कि असल में जब NRC असम में लागू हुआ तो BJP को लगता था कि मुसलमान छट जाएंगे, लेकिन उसमें हिंदू भी आ गए। अब उनको बचाने के लिए ये नागरिकता संशोधन कानून। कपिल सिब्बल साहब का नाम ले रहे हैं ना? जी, कपिल सिब्बल 2003 में 107th रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन होम अफेयर्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2003, इसमें क्या कहा गया है? इंडियन सिटीजनशिप शुड बी ग्रांटेड टू बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी माइनॉरिटी रेफ्यूजीज, नॉट ऑल रेफ्यूजीज। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड शुड ऑल्सो बी इशूड टू दीज रेफ्यूजीज। सिटीजनशिप शुड बी ग्रांटेड टू बांग्लादेश, ये 9 नंबर है रिकमेंडेशन। सिटीजनशिप शुड बी ग्रांटेड टू बांग्लादेशी माइनॉरिटी रेफ्यूजीज एंड नॉट टू रेफ्यूजीज बिलोंगिंग टू मेजोरिटी कम्युनिटी। ये पार्लियामेंट की कमेटी है। एवरी सिटीजन शुड बी गिविन अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। इसके मेंबरों के नाम बताऊं? जी बताइए ना, जरूर। हाँ, इस कमेटी के चेयरमैन श्री प्रणब मुखर्जी, इस कमेटी के मेंबरों में पहला नाम श्री कपिल सिब्बल।